क्या बेहतरीन नज़र आ रहा है देखिए यहाँ से, कितना अच्छा ये थीम बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। इस पॉइंट पे कुछ हो सकता है, धरोहर वगैरह लगाया जाए, किसी भगवान की मूर्ति वगैरह बीच में। देखिए दोस्तों, ये वाली रोड भी देख सकते हैं जो भक्ति पथ मार्ग से जन्मभूमि पथ मार्ग के लिए बनाया जा रहा है। जैसे अगर आप भक्ति पथ, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम अभी खड़े हुए हैं बिरला धर्मशाला के पास, और इसके ठीक सामने जो कि जन्मभूमि पथ है, यहाँ से राम मंदिर की दूरी 500 मीटर की है। हमने आपको दीपोत्सव की बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बट जो है जन्मभूमि पथ नहीं दिखाया, किस प्रकार से जो है दीपावली को लेकर और दीपोत्सव को लेकर तैयारियाँ की गई हैं। तो अभी जस्ट आज है 1 नवंबर, और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इधर के साइड के किस प्रकार से तैयारियाँ वगैरह की गई हैं। इधर भी जो है फूलों से सजाया गया है इस जन्मभूमि पथ को, और ये वीडियो जो है 1 नवंबर की है। तो दोस्तों, अभी जन्मभूमि पथ के ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये है राम पथ मार्ग। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ उतरती हैं, लोग आते हैं दर्शन करने, इलेक्ट्रिक बस वगैरह आती हैं, यहाँ पे उतरती हैं। इससे भी थोड़ा बहुत जाम लग जाता है, बट जो है जल्दी निकल भी जाता है। और सामने देख सकते हैं जन्मभूमि पथ, ये दोनों प्रवेश द्वार हैं। इधर से ही 500 मीटर की दूरी के बाद जो है राम मंदिर है प्रभु श्री राम जी का, और देख सकते हैं भव्य प्रवेश द्वार कैसे सजा हुआ है, बहुत ही प्यारा। ऊपर देखिए त्रिशूल बना हुआ है, प्रभु श्री राम जी अपने रथ से जो है वापस आ रहे हैं अयोध्या में, जय श्री राम दीपोत्सव 2024, और ऐसा कुछ बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इधर के साइड भी सजा हुआ है, इधर के साइड भी सजा हुआ है, उधर के साइड पूरी झालरें वगैरह लगी हुई हैं। तो अब चलते हैं हम अंदर के साइड, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इधर यात्री सुविधा केंद्र भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजा हुआ है, फूलों से सजाया गया है। रुकिए, पहले यात्री सुविधा केंद्र दिखाते हैं, फिर चलते हैं जन्मभूमि पथ की साइड। कहीं से खुला नहीं है क्या यार, ये तो बिल्कुल इधर से बंद है, यहीं से आप देख सकते हैं दोस्तों, फूलों से सजाया गया। अभी फ्रंट से ही चलते हैं, तब अंदर थोड़ा सा हो लेंगे। श्री राम जन्मभूमि जाने का मार्ग, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी खड़ा करना बहुत, ये देखिए फॉरेनर भी अब आते हैं लोग अयोध्या में, मैंने कई सारे फॉरेनर देखे थे। देखिए ये जन्मभूमि पथ जो है, दोनों ही साइड देख सकते हैं ये लाइटें लगाई गई हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन, ये मिडिल पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा सजा हुआ है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सजा हुआ है। अब देखिए 22 जनवरी को कैसा तैयारी रहता है। ये देखिए कितना साफ सुथरा है, देखिए दिए वगैरह यहाँ पे भी जलाए गए थे, इधर से भी देख सकते हैं। आइए यात्री सुविधा केंद्र थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, इधर से जो है जाने दे रहे हैं, उधर से बिल्कुल सब बैरिकेड्स वगैरह लगाए हुए हैं। देखिए ऐसा स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे ये पूरा गेट बना, ये बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक से ये चलता है। देखिए ये तीर्थ यात्री सेवा केंद्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये फैन भाई बहुत दूर दूर तक हवा देता है। तो ऐसा कुछ जो है फूलों से सजा हुआ है, ये भी ये देखिए व्हील चेयर सुविधा, यहाँ पे जो है व्हील चेयर फ्री मिलता है, अगर आप अपने ही जैसे घर के आपका कोई है वो ले जाता है, तो अगर आप किसी से ले मतलब ले जाते हैं किसी को साथ में, तो उसके लिए जो है आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा। एक लाइन में सब कोई घुसेगा, ये देखिए इस पॉइंट में यहाँ पे कितना अच्छा ये थीम बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। देखिए इधर भी देख सकते हैं कई सारे थीम बने हुए हैं,
ये देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन। एक आगे भी बना हुआ है, देखिए लाइट्स वगैरह कैसे झालरें भी लगाई गई हैं लाइन से, इधर के साइड उधर के साइड भी। देखिए एक वहाँ पे भी लगा, ऐसे कई सारे बनाए गए हैं इस साइड भी उधर के साइड भी। चलिए दोस्तों अब इधर से चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे सामने देख सकते हैं सुग्रीव किला, क्या जबरदस्त लग रहा है। ऊपर से धीरे धीरे जो है बांस वगैरह जो है हटाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो अगरबत्ती है मंगल दीप की, क्या खूबसूरत महकती है। अच्छी महकती है कि नहीं, सही बता रहे भाई? यहाँ मन करता है यहीं बैठे रहे, घर पे इसको ले जाऊंगा मैं तो। बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन फिर भी अगर ये फ्रेग्रेंस आपको चाहिए तो आप। मगर यहाँ पे लगा है जन्मभूमि पथ पे तो स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे लगा है तो स्पॉन्सर्ड है। आपकी वीडियो में नहीं हो रही है स्पॉन्सर, क्योंकि उन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों पिलर्स पे भी यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये डिजाइन के द्वारा ही बनाया गया है। देखिए वहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जय ये देखिए ये कितना प्यारा लगा, ऐसे कई सारे पूरे लगे हुए जन्मभूमि पथ पे। ये देखिए एक बीच में ऐसा ये बनाया गया है, कितना अच्छा द्वार, बहुत ही जबरदस्त। और ये वाला मार्ग हमने आपको दिखाया हुआ है जो कि सीधा श्री राम हॉस्पिटल के पास जाके निकलता है। देखिए झालर जो है इधर लगी हुई, इधर लगी, उधर के साइड झालर नहीं दिख रही है। और बीच से लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये देखिए एक मंगल दीप यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ही अच्छा मतलब स्मेल करती है। और ये देखिए यहाँ पे नाम दिए हुए हैं खुशबू पथ। ये कौन है भैया, ये कौन सा चौक है यार, ड्यूटी लगी हुई है उनकी। ठीक सामने राम मंदिर जहाँ पे क्रेन है, बट आपको ऐसे लेफ्ट होते हुए सामानों को चेकिंग करवाते हुए मोबाइल्स वगैरह जमा करते तब आपको राम मंदिर के दर्शन होते हैं। ये देखिए आ चुके हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से दोस्तों इधर के साइड जा सकते हैं भक्ति पथ मार्ग की ओर, अमावा राम मंदिर की ओर जाना हुआ तो, हनुमानगढ़ी की ओर जाना हुआ तो इधर से होते हुए इधर के साइड जा सकते हैं। ये देखिए इधर से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं और इधर से आगे जाते हैं वहाँ पे, उस पॉइंट पे चेकिंग पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें चेक होती हैं, फिर आगे मोबाइल वगैरह जमा होता है, फिर तब आप जाके राम मंदिर की ओर जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है टेस्टिंग वगैरह करने के बाद, मतलब सामान वगैरह की। तो यहाँ पे देखिए एक लास्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो चलिए दोस्तों अब इधर से हम जो है चलते हैं इधर के साइड। देखिए इधर भी जो है कितने किस टाइप के जो है दिए वगैरह जलाए गए थे यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब हम इधर से चलते हैं अंदर के साइड। इधर वाले से चलते हैं, वीडियो बना रहा है उसको बहुत ध्यान से वो देख रहा है। आगे जाने के बाद तो पूछिए वह। देखिए यहाँ पे सामान वगैरह सारी चीज़ें जो है चेकिंग होने के बाद तब उस साइड की ओर निकलता है।
कई सारे पॉइंट बने, बट जो है एक दो तीन, तीन ही चल रहा है। इधर के साइड भीड़ देखिए, देखिए इधर देखिए, मोर पंखी भी लोग लिए हुए हैं। देखिए कई जगह जो है रंगोली वगैरह यहाँ पे बनी हुई थी। इधर भी देखिए यहाँ पे भी रंगोली बनी हुई थी। देखिए पूरा जो है इधर सब भी लाइट्स वगैरह लगाई गई है। देखिए सामने यहाँ पे राम जी धनुष के साथ, यहाँ पे फूल। इस पॉइंट पे देखिए शूज वगैरह जमा होते हैं। तो भीड़ है आज काफी ज्यादा। तो लॉकर्स वगैरह जो है उस साइड की ओर है। देखिए जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे कितना अच्छा बनाया गया है। ये यहाँ पे भी जो है लाइटिंग वगैरह की गई है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। इसका वर्क भी आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, भीड़ कितनी ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ जूते वगैरह चप्पल वगैरह नज़र आ रहे हैं और सामान वगैरह देखिए लोग बाहर के साइड यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जैसे जमा करने में टाइम लगता है तो लोग जो है सोचते हैं जल्दी से यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर लें और जो इनके साथ थे वो दर्शन करके चले आए, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये लोग लेके बैठे हुए हैं तो कोई भी आएगा यही सोचेगा कि इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, जबकि हर चीज़ की सुविधा जो है यहाँ पे है। देखिए यही भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ पे जमा करने के लिए मोबाइल और सामान। देखिए पीक सीजन जिसको बोलते हैं वही है इस समय। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। अभी देखिए जित सारे काम अभी मौके पे बंद है, देख सकते हैं ये बीच में। देखिए इधर देख सकते हैं इस पॉइंट पे कुछ हो सकता है धरोहर वगैरह लगाया जाए, किसी भगवान की मूर्ति वगैरह बीच में। तो इधर से होते हुए लोग देखिए जा रहे हैं दर्शन करने, तो इधर से हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं वापस बाहर के साइड। इधर की स्थिति देख सकते हैं क्या हुई है। देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा भीड़ जो है दर्शन करके आ रहे हैं, और इधर के साइड जो भी सामान लोग अपना दिए हुए हैं मतलब उस साइड की ओर, और इधर से लोग लेते हैं अपना सामान, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है लेने के लिए सामान। मतलब उधर के साइड देना और इधर के साइड लेना ये है। चलिए इधर से हम चलते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। आप बताइए इतने भारी वेलकम भीड़ को मैनेज करना कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। इधर राम जन्मभूमि का भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं सीन, देखिए इधर के साइड पूरा। कुबेर टीला ठीक इसके आगे ही थोड़ा सा, इधर के साइड भी देख सकते हैं। राम जन्मभूमि का पूरा ये एरिया, कई सारी चीजें जो है अभी बन रही है। आइए हम इधर से धीरे धीरे जो है बाहर के साइड निकलते हैं।
अभी जो है सारे निर्माण का निरंतर हो ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए पूरा चलिए इधर से चलते हैं बाहर, देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है भाई साहब, बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे लगा जैसे संजू हवा है क्या भाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉरेनर जो कि हमारे अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों आपको अमावा राम मंदिर के साइड देखते हैं और राम मंदिर वहाँ से दिखता है। देखिए दोस्तों ये वाली रोड भी देख सकते हैं जो भक्ति पथ मार्ग से जन्मभूमि पथ मार्ग के लिए बनाया जा रहा है। जैसे अगर आप भक्ति पथ मार्ग से आते थे तो डायरेक्ट आपको दर्शन नहीं होते थे, तो उसके लिए आपको ये वाला मार्ग जो है बनाया। पहले क्या था, काफ़ी पतला था इधर के साइड ही, और अभी देख सकते हैं इतना ज़्यादा ये चौड़ा हो चुका है। तो अब जो है इसका काम तेज होगा, अब थोड़ा सा जो है अब दीपावली वगैरह जो है ख़त्म हो जाने के बाद। सामने राम मंदिर थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाते हैं, देखिए नज़र आ रहा है अमावा राम मंदिर से जो है साफ साफ नज़र आता है, देखिए दिख रहा है ना। आइए चलते हैं भक्ति पथ मार्ग पे, देखिए ये पूरा जो है अच्छा खासा मार्ग जो है चौड़ा हो जाएगा। इधर की देखिए थोड़ी सी जो है दुकानें तोड़ी गई थी, ऊपर के साइड देख सकते हैं। ये है भक्ति पथ मार्ग, राइट साइड की ओर जाता है जो कि डायरेक्ट हनुमानगढ़ी से होते हुए इधर के साइड आता है, और इधर से जो है दर्शन वगैरह करने के लिए नहीं जाने थे, डायरेक्ट आपको इधर से शिफ्ट करा देंगे, तो इसीलिए मार्ग जो है बनाया जा रहा है। पहले काफ़ी पतला था। तो चलिए चलते हैं हम अमावा राम मंदिर के ऊपर। ये है अमावा राम मंदिर का बिल्कुल फ्रंट, देखिए गिट्टी वगैरह आई हुई है जो कि ये वाली ही रोड बनने के लिए। सामने देखिए इस पेड़ से इतनी चौड़ाई मतलब हो जाएगी, कहाँ हनुमानगढ़ी, वो देखिए वहाँ पे हनुमानगढ़ी नज़र आ रहा है, वो देखिए हनुमानगढ़ी, इधर राजद्वार मंदिर, और इधर के साइड राम मंदिर हमने आपको दिखाया, ये है बाल रूप राम मंदिर। जय श्री राम। चलिए अब चलते हैं अमावा राम मंदिर के ऊपर से दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अमावा राम मंदिर के ऊपर, यही वो पॉइंट है जहाँ से आप ने बहुत सी वीडियो देखी होगी राम मंदिर की। देखिए सामने राम मंदिर, क्या बेहतरीन नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ से खुले आंखों से तो नज़र आ रहा है कि ऊपर के साइड लाइट्स वगैरह लगी हुई है, लेज़र वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो आज काम वगैरह बिल्कुल ही बंद होगा, जो शिखर बन रहा है वो सबसे पीछे बनेगा, जो ये वाला पॉइंट है इसके भी पीछे जो है शिखर का काम हो रहा है, ये वाला कोई और मंडप है बीच वाला, तो बहुत ही भव्य नज़र आएगा बन जाने के बाद। इधर के साइड देख सकते हैं लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखिए पर कोटा का भी इधर का काम देख सकते हैं इधर के साइड, और इधर के साइड चारों साइड जो है मंदिर के साइड पर कोटा रहेगा। रुकिए थोड़ा सा एंगल चेंज करके हुए दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे भोजन के लिए कैसे लोग बैठे हैं ये भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए सामने बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी हुई इस समय, देखिए वहां पे सामने इतनी ज्यादा भीड़ है, देखिए अब ये जो है रात में ही पता चलेगा किस टाइप की लाइटें वगैरह जली हुई हैं, या फिर S24 अल्ट्रा रहे तो ही पता चलेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है
राम मंदिर अभी मौके पे इतना नजर आया, कई सारी चीजें जो है सजाई गई, लेजर वगैरह लगे, फूलों से सजाया गया है, जो सिंह द्वार है वहाँ पे फूलों से जय श्री राम वगैरह लिखा गया है, बहुत ही अच्छा। और आपने देखा जन्मभूमि पथ किस प्रकार से सजा है, देखिए वहाँ पे भक्तों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है उस पॉइंट में पूरी। तो दोस्तों अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।